तीन राज्यों की सीमा पर स्थित कचारगढ़ यात्रा में इस 5 दिवसीय मेले में आदिवासी मंत्री विजय गावित ने 3 करोड़ रुपए का निधि विकासात्मक कार्य का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण पूर्व विधायक संजय पुराम ने किया, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद कोकाटे ने की। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्य तथा अन्य राज्यों से आए आदिवासी नेता प्रमुखता से उपस्थित थे। 23 फरवरी को समस्त देवी देवताओं का आगमन हुआ। इस अवसर पर माझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक दिल्ली के डी कांगे की उपस्थिति रही। 24 फरवरी को राजमाता फुलवा देवी नई दिल्ली एवं विधायक सहसराम कोराटे आदि उपस्थित रहेंगे। आसिया की सबसे बड़ी गुफा जिसको कचारगढ़ में देखा जाता है और ये समस्त भारत के गोंडियन जनों का ये श्रद्धा स्थान है, जिसमें भारत के हर कोने से यहाँ पर भक्तगण आते हैं, गोंडियन लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, अन्य लोग आते हैं। काफ़ी सालों से यह कचारगढ़ का यात्रा चल रहा है। मैं देख रहा हूं कि इस कचारगढ़ में और शासन के तरफ से विकास करने की बहुत ज़रूरत है। इसके पहले इस कचारगढ़ के यात्रा में माँ कली कंकाली का दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए थे। केंद्र के सबसे बड़े लीडर नितिन गडकरी जी आए थे, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री आए थे और कल 21 तारीख को आदिवासी के महाराष्ट्र के राज्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार गावित साहब भी आए थे। उनके सामने हमने मांगे रखी, लाखों गोंडियन सगाजन यहां पर आता है, उनके लिए रहने की सुविधा नहीं है, संडास बाथरूम की सुविधा नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, रोड रास्ते की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। ऐसे परिस्थिति में शासन स्तर से इस कचारगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा विकास का काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने निधि देना चाहिए। 21 तारीख को जब आदिवासी मंत्री विजय कुमार गावित साहब आए थे, तब उन्होंने कहा कि कचारगढ़ के विकास के लिए निधि की मैं किसी भी प्रकार की कमतरता नहीं होने दूंगा। NBC न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।